नमस्कार दोस्तों, भारत इसराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है, या फिर भारत फिलिस्तीन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, या ऐसे और भी कई सवाल होंगे आपके दिमाग में जो शायद इस वीडियो को देखकर थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको हमेशा से पता है कि भारत हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ रहा है, कुछ भी हो जाए भारत ने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय से ये बयान जारी किया गया, हमने हमेशा से ही एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। भारत ने यूएन में फिलिस्तीन के ना सिर्फ बंटवारे का विरोध किया था बल्कि इसके खिलाफ मतदान किया था। इतना ही नहीं, भारत पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को मान्यता दी थी। 1948 में अरब इसराइल युद्ध हो या 1956 का स्वेज संकट या फिर 1967 में फिलिस्तीन के साथ जंग, भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। 2006 के लेबनान युद्ध में भी भारत का रुख कुछ ऐसा ही रहा। अब सवाल यह है कि भारत इसराइल को इतना खुल के सपोर्ट क्यों कर रहा है। साल 1962 में भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था, उस समय इसराइल ने भारत को मदद की पेशकश की। इसराइल ने भारत को मोर्टार्स रोधी उपकरण दिए। इसके अलावा 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी भारत को अरब देशों का साथ नहीं मिला, जबकि भारत उनके करीबी में था, जबकि इसराइल भारत का एक प्रमुख सहयोगी बना था। इसराइल ने भारत को गोला बारूद, खुफिया जानकारी तक प्रदान की थी।